हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं वॉइस ओवर आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने पहले का वीडियो एंड कर दिया था और आगे आने वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जी हाँ गाइस, वही ये वीडियो है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर में पधारे हैं भोलेनाथ भगवान और उनका पूरा परिवार, जिनकी स्थापना हमारे इंडस्ट्री वाले मंदिर में होनी है और बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने ये खुशियों के जो लम्हे हैं वो आपके साथ भी शेयर करूँ, ये मेमोरी शेयर करूँ वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको थोड़ा सा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोस आने वाले हैं। तो बस उनकी स्थापना वगैरह होनी है, तो डे 1 में क्या होता है, पानी में उनको रवास करवाया जाता है और फाइनली आज हम उनको पानी और फूल में वास करवाएंगे और फिर नेक्स्ट डे अनाज में वास करते हैं, फिर तीसरे दिन किसी और चीज़ में। तो वो सारी चीज़ें हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो व्लॉग में आगे बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। और क्या भी ऐसा कुछ हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज से 15 साल पहले, 17 साल पहले हमारी इंडस्ट्री में जो मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं बहुत छोटी होंगी उस टाइम पर, माता रानी की मतलब स्थापना हुई थी मंदिर में, जो मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ, अभी भी आगे दिखाऊंगी। तो उसके बारे में सुनती रहती थी, बट ये मतलब मेरे सामने ही हो रही है स्थापना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मैं आपके साथ में ब्लॉग शेयर कर पा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी सारी चीज़ें हो गई हैं और मैं फ्री हो चुकी हूँ, बट मैं आपके साथ में थोड़ा सा एक कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। सो सॉरी गाइस अगर मैं आपको बीच ब्लॉग में डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट आजकल ना मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग को भी हो रहा होगा ना तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मैं आपको 2 से 3 मिनट लूंगी और मैं आपको इस हफ्ते कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हमने सुना है बहुत कुछ कि आप ऑनियन का हेयर ऑयल लगा लो या फिर ऑनियन को पीस कर उसका रस निकाल कर वो लगा लो, तो ये सारी चीजें ना हो नहीं पाती। हम सोचते हैं कि हम हेयर मास्क बना लेंगे घर पर, उसको अप्लाई करेंगे और हमारा जो हेयर्स है वो अच्छे तरीके से हो जाएंगे, हेयर डैमेज नहीं होगा और साथ ही साथ टूटना भी बंद हो जाएगा, मतलब सारी जो प्रॉब्लम्स होती है सुनते रहते हैं। मुझे एक सोल्यूशन मिल गया है गाइस, आपको अनियन की गुडनेस का एक शैम्पू मिल जाता है, एक कंडीशनर मिल जाता है, जो कि मैं आजकल अपने हेयर्स पर अप्लाई कर रही हूँ। मुझे मतलब बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, देखते इसके रिजल्ट क्या होते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ मैं कौन से शैम्पू कंडीशनर यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मामा अर्थ का ओनियन शैम्पू विद ओनियन एंड प्लांट कैरेटिन फॉर हेयर फॉल कंट्रोल। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं ये पैराबेंस एंड एसिलेस फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, फॉर ऑल टाइप हेयर्स के लिए है। इसकी क्वांटिटी आपको मिल जाती है 400 ml की। अब बात करते हैं कंडीशनर की, तो अगेन ये मामा अर्थ का ओनियन कंडीशनर विद ओनियन एंड कोकोनट है फॉर हेयर फॉल कंट्रोल एंड पैराबेंस फ्री, सिलिकॉन्स फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर ऑल टाइप हेयर्स के लिए 250 ml की इसकी भी क्वांटिटी है। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में बने होते हैं गाइस। ये SLS फ्री है और यहाँ पर आपको एक पम्प बॉटल मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको शैम्पू का टेक्सचर दिखा देती हूँ, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको टेक्सचर मिल जाता है, काफी ज्यादा क्रीमी टेक्सचर है और झाग भी काफी ज्यादा अच्छा बन जाता है, जिससे कि आपके हेयर्स काफी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। अगर आपके हेयर्स कलरेटेड हैं तो भी आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ये आपके हेयर्स को डैमेज नहीं करेगा, जेंटली क्लीन करता है, आपके बालों को नरिश करता है, साथ ही साथ रिड्यूस करता है हेयर फॉल को। ये आपको किसी भी तरह का हार्म नहीं करेगा क्योंकि गाइस ये है 100% नेचुरल, सेफ इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये बना हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं और काफी ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें है। इनकी खास बात गाइस ये है कि जितना प्लास्टिक ये यूज करते हैं उससे ज्यादा ये रिसाइकल भी करते हैं। एंड गाइस शैम्पू का प्राइस है 559 रुपीज एंड कंडीशनर का प्राइस है 349 रुपीज। तो अगर आपको प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा हाई लग रहा है तो गाइस आपको स्क्रीन पर एक कोड दिख रहा होगा शिवी 2021, अगर आप इसको मामा की वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें 20% का डिस्काउंट मिल जाता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ ही अमेजोन, पोको, नायका पे भी अवेलेबल है। तो मामा अर्थ हैज लॉन्च देयर ऑफिशियल एप ऑन एंड्रॉइड एंड iOS। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। हेलो शिव शिव।
तो भोले बाबा का पूरा परिवार हमारे यहाँ पधारा है और हमारा सौभाग्य है कि हम ये सारी चीजें देख पा रहे हैं, इतने ज्यादा खुश हो पा रहे हैं। तो एक एक करके सारे भगवान हम मंदिर से उठाकर यहाँ पर रखेंगे और जो भी आगे पंडित जी हमें बताते हैं वो हम आपके साथ में सारा कुछ शेयर करेंगे। और वैसे ही हम करते जा रहे, इतने बड़े बड़े भगौनों कढ़ाइयों में ना पानी भरकर रखा था, साफ पानी, और उसमें फूल डाला हुआ था। जो भी पंडित जी ने जैसे ही बताया था वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। वो हम वापस से अपने मंदिर में जा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और बाकी की सारी मूर्तियां हम अपने साथ में लेके जाएंगे। और मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको, आप सारा कुछ देख ही सकते हैं यहाँ पर। करके ना हमने सारी मूर्तियां सबने मिलकर उठा उठा कर रखी। और मैं आपको बता दूं, एक सिंगल इंसान मूर्ति नहीं उठा सकता था, क्योंकि मतलब जो छोटी वाली मूर्ति थी वो तो एक सिंगल इंसान उठा सकता था, पर जो हैवी वाली जैसे कि शंभुनाथ की जो मूर्ति थी और कार्तिकेय जी की जो थी, मतलब वो बहुत ज्यादा हैवी थी। तो उसमें लोग लगने थे उसको उठाने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा उसमें वेट था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो जैसे जैसे पंडित जी हमें बताते जा रहे थे हम वैसे ही कर रहे थे यहाँ पर। और पूरा व्लॉग हमने शूट करा था, भैया वगैरह ने काफ़ी हेल्प करी थी, पूरा व्लॉग वगैरह शूट कर दिया था, वीडियोस जो कि हम अक्सर में शेयर कर पा रहे हैं। और स्थापना वाला डे भी हम सब साथ में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े भगौने और कढ़ाइयों में, मतलब जो भी बड़े साइज के बर्तन मिले उसमें पानी, साफ पानी भरकर रखा हुआ है। उसमें ढेर सारे फूल डाले हुए हैं, जैसे कि पंडित जी बताया था कि ऐसे ऐसे करो कि एक दिन पानी में वास करते, एक दिन अनाज में वास करते हैं, फिर सोते हैं भगवान जी, मतलब सारा कुछ होता है। और सारी चीज़ों की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि अभी मैं फ्री हो गई हूँ तो मैं शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ में। और मतलब ढोल नगाड़े के साथ में, मतलब सारी चीज़ें हो रही थी। वैसे हमारे इस टाइम पर ना फैमिली मेम्बर्स ही हैं, कुछ ही एक दो लोग बाहर के हैं, बाकी फैमिली रिलेटिव्स वगैरह भी ज़्यादा लोगों को नहीं इन्वाइट करा था। नेक्स्ट डे से सारे लोग आएंगे और साथ ही साथ फोटोग्राफर वाला भी आएगा, वीडियो कैसेट वाला भी आएगा, तो अच्छा लगेगा। पहले ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, बट धीरे धीरे करके माता रानी के आशीर्वाद से, माता रानी की मंजूरी से, पता नहीं क्या क्या हो गया और इतना अच्छी तरीके से सारा फंक्शन हुआ शंभुनाथ की कृपा से। तो ये जो हैवी है ना मूर्ति, बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो इसको बहुत सारे लोग लग रहे थे उठाने के लिए। यहाँ पे ना वॉइस ओवर करते टाइम ना मुझे बहुत उसे हंसी भी आई थी, क्योंकि मूर्ति ज़्यादा इतनी हैवी थी ना कि लोगों की हवा टाइट हो रही थी यहाँ पर। और मतलब उन लोगों को लग रहा था क्या यार कितनी मूर्ति हैवी है ना, बट सच बता रहे हैं ना मज़े बहुत ज़्यादा आए थे, इंजॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ था। फिर यहाँ देखो पानी की बौछार हो रही है, मतलब होली से लोग खेलने लगे थे। पंडित जी ने बोला अरे खिलवाड़ मत समझो तुम लोग, भगवान जी का काम हो रहा है यहाँ पर। तो बस वही हंसी मजाक मस्ती सारा कुछ चल रहा था। फिर हमने कहा कि चलो हम लोग भी थोड़ा सा भगवान जी की सेवा करते हैं, अभी 3-4 दिन पूरी भगवान जी की सेवा करेंगे हम लोग, जो कि डे 1 डे 2 करके हम अक्सर सारा कुछ शेयर करेंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मशीन रखी रहती थी शेड में, बट अभी इस शेड को पूरा अच्छे तरीके से क्लीन करवा दिया था, जो कि पहले वीडियो में हमने आपको दिखाया ही है सारे कुछ, मतलब मेमोरीज हमने अपने शेयर करी हुई हैं छोटी छोटी सी भी। और ये देखिए हमारे शंभुनाथ जी पूरा फुल आपको हम दिखाएंगे अभी, तो उनको पट्टी बंधी हुई है सारे भगवान जी को, और यहाँ पर आरती हो रही है। तो यहाँ पर ना येलो कलर की चादर उड़ा दी जा रही है, और जैसे कि पंडित जी ने बताया था कि इनको भी ऐसे उड़ा दो और फिर बाकी काम सुबह करेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही था। और पूजा पाठ वगैरह हो गई है, 3-4 डेज का फास्ट भी है, जो भी पूजा में लोग बैठेंगे उनका, और खाने पीने का भी सारा अरेंजमेंट यहीं पर होगा 2 से 3 दिन का। वैसे भंडारा बोलेंगे तो जिस दिन स्थापना होगी उसी दिन होगा सबका, बट ये 3-4 दिन हमारा भंडारा चलेगा ही चलेगा, क्योंकि जितने भी रिलेटिव्स फैमिली मेम्बर्स हो गए, कुछ स्टाफ मेम्बर्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में ये प्रोग्राम हो रहा है तो वो उनका होना भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि मतलब डे टाइम में ना उनकी जो ड्यूटी है वो चलती है, मशीन वगैरह कोई काम तो रुका नहीं है। बट इस शेड में हम लोगों ने सारा कुछ अपना अरेंजमेंट करके रखा है,
जो कि शंभुनाथ जी और उनका पूरा परिवार यहाँ पर उनकी पूजा होगी, सारा कुछ होगा यहाँ पर, पूजा की तैयारियाँ वगैरह, सामग्री वगैरह जो भी मंगाई थी वो सारा कुछ आ चुका है, बातें बातें चल रही हैं और फाइनली अभी लास्ट पूजा होगी रात की, उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे घर। सब माता रानी के मंदिर में आ गए हैं, यहाँ की सारी पूजा करेंगे और फाइनल ये पूजा हो गई है। काफी ज्यादा लेट हो गया था, आप टाइम भी देख सकते हैं, मैंने भी घड़ी में टाइम दिखाया था। यहाँ पर काम भी चल रहा है साथ ही साथ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जगह, यहाँ पर हमारे शंभुनाथ उनका पूरा परिवार मतलब स्थापित होगा, उसी की तैयारी चल रही है, क्योंकि सारी चीजें अर्जेंट भी हुई है। मैंने बताया ना कि पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं था, सारा कुछ अर्जेंट में हो गया है और ऐसा होना होगा ना, ऊपर वाले की मर्जी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता ना। और यहाँ पर आरती हो चुकी है, सब लोग आरती ले रहे हैं। यहाँ पर सबको मिल रहा है प्रसाद वगैरह और अब बारी आ गई है पंडित जी को खाना खिलाने के लिए। तो सुबह से कोई घर पर गया नहीं था और हम लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं कर पाते क्योंकि सब लोग यहाँ पर लगे हुए थे। तो एक अच्छी जगह से हम लोगों ने पंडित जी के लिए सारा जो भी उनका खाना था, फरहार या खाना वगैरह, वो सारा मंगा लिया था और वही हम उनको सर्व कर रहे हैं। फिर घर वालों ने भी सबने मिलकर खाया, काफी ज्यादा लेट हो गया था। तो मेरी हालत तो एकदम खराब हो गई, बट मैंने सोचा ब्लॉग की एंडिंग तो बनती है क्योंकि मेरे को कल आपके साथ में नेक्स्ट ब्लॉग भी शेयर करना है। आई होप आपको ब्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए अभी कल, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। कलश यात्रा होने वाली, जैसे कि आज कैंसिल हो गया था और अभी पंडित जी वगैरह जो है खाना खा रहे हैं, उसके बाद में हम फिर घर निकलेंगे, हम लोग भी खाएंगे। अब पता नहीं हम लोग यहाँ खाएंगे कि घर जाकर खाएंगे। तो मैं आकर ऑफिस में बैठ गई थी, अभी कोई भी नहीं ऑफिस में, सब लोग वहाँ पे मंदिर में है, कुछ लोग शेड में है जहाँ पर वहाँ पर सारी चीजें पूजा वगैरह हुई है। हालत देखो आप, मेरी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो गुड नाइट गाइस, टेक केयर।